हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हर दल के लिए उन्हीं की पार्टी के बागी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। तब पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था, दावा हुआ कि बीजेपी के एक बागी नेता को खुद प्रधानमंत्री ने कॉल करके कहा कि बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मत उतरो। इस वीडियो के बाद तमाम तरह की चर्चा हुई, कहा गया कि देखो प्रधानमंत्री तक खुद बागियों की समस्या का समाधान करने के लिए अपनी पार्टी में कितने चिंतित हैं। लेकिन आपको तो यह जानना जरूरी है कि फिर आगे क्या हुआ। अगर पीएम का कॉल बागी नेता को गया तो क्या वो बगावत का झंडा झुकाकर मान गए या फिर नहीं? मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। शनिवार से हिमाचल प्रदेश में बगावत की राजनीति के पहाड़ को हिला देने वाली ये वो बहुत रोल है जिसमें दावा हुआ कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी के बागी नेता को बगावत का बिगुल ना बजाने के लिए कथित रूप से कॉल किया जी। बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। जिन नेता को दावा होता है कि 1 नवंबर को ये फोन कॉल आया उनका नाम है कृपाल परमार, जो कांगड़ा जिले की फतेहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने सीट से राकेश पठानिया को उतारा। नाराज कृपाल परमार बीजेपी से बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दावा है कि कृपाल परमार को बागी होकर चुनाव में उतरने के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का कथित रूप से कॉल आता है। लेकिन सवाल ये अब आपको जानना जरूरी है कि अगर ये प्रधानमंत्री का ही कॉल था तो क्या कृपाल परमार ने बगावत थाम दी? क्या ये चुनाव लड़ने से पीछे हटे हैं? मैं जीतूंगा तो जाऊंगा भाजपा में, लेकिन मेरे लिए एक उस दिन बहुत भारी बीता कि प्रधानमंत्री जी मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मेरे दोनों हाथ खाली थे। ये मलाल मेरे जिंदगी भर रहेगा। मैंने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। और मैंने कहीं भी भाजपा की नीतियों का, कहीं भी भाजपा के नेताओं का, कहीं भी भाजपा की किसी चीज का मैंने विरोध नहीं किया, मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि जी, कि अगर आप कल मुझे कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप मैदान में डटे हुए? मेरे पास कोई चारा कोई नहीं था। मैंने कल भी कहीं पे कहा है कि मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया। यानी कृपाल परमार ये दावा करते हैं कि वो अगर निर्दलीय जीत गए तो बीजेपी का समर्थन बाद में कर देंगे, लेकिन फिलहाल वो चुनाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंजीत सहगल, कांगड़ा, आज तक।